ही शेखन के सच से पूरी तरह से अनजान थी, लेकिन फिर भी वो उस पर विश्वास करके एक अनजान शख्स के साथ गांव रुद्रपुर चली आई। जैसे वो उस कस्बे में दाखिल हुए तो शेखन ने एक पर्ची पर लिखा पता देखा और पास से ही गुजर रहे एक आदमी से बोला, अरे भैया सुनो, ये त्रिलोक सेन जी का घर कहाँ होगा? पान चबा रहे उस आदमी ने पहले शेखरन और माही को ऊपर से लेकर नीचे तक देखा और फिर बोला, कौन त्रिलोक सेन? इस कस्बे में कई त्रिलोक सेन होंगे, तुम्हें कौन से वाले चाहिए? इस बात को सुनकर एक पल के लिए शेखरन सोच में पड़ गया और थोड़ा रुक कर बोला, अरे वो शायद पहले किसी मंदिर के पुजारी हुआ करते थे, वही त्रिलोक जी। उनका नाम सुनते ही वो आदमी थोड़ा चौंका, फिर हैरानी से बोला, उस आदमी से तुमको क्या काम? एक अजनबी आदमी के मुंह से इस तरह का सवाल सुनना शेखरन के लिए थोड़ा अजीब था। शेखरन उस आदमी पर थोड़ा चढ़ते हुए बोला, अरे काम उनसे है तो तुम्हें क्यों बताएं? पता बता सकते हो तो बात करो, वरना जाने दो। तब वो आदमी भी गुस्साते हुए बोला, हाँ ठीक है ठीक है, यहाँ से सीधे पुराने मंदिर का पता पूछ दो, निकल जाओ। उसी मंदिर से कुछ दूरी पर उस पगलेट का मकान है, पता नहीं कैसे कैसे लोगों से मिलता रहता है। कहते हुए वो आदमी बड़बड़ा कर वहां से जाने लगा। माही और शेखन भी वहां से आगे बढ़ गए। रास्ते पर चलते चलते माही शेखन से बोली, कौन है ये त्रिलोक जी जिनके पास हम जा रहे हैं? शेखरन माही का सवाल सुनकर बोला, तुम्हें जानकर शायद हैरानी हो सकती है, लेकिन सच कहूं तो मैं खुद उन्हें नहीं जानता, लेकिन हाँ मैं इतना जरूर बता सकता हूँ कि मेरी समस्या का समाधान सिर्फ उन्हीं के पास है। ये सारी बातें सुन माही शांत ही रही। फिर वो त्रिलोक जी का पता पूछते पूछते उनके घर के बाहर तक पहुंच गए। घर का दरवाजा लगा हुआ था। जैसे ही शेखरन ने घर का दरवाजा खटखटाया तो अंदर से आवाज सुनाई पड़ी, जो भी हो लौट जाओ, अब यहाँ किसी तरह का काम नहीं होता। तब शेखरन ने दरवाजे के बाहर से चिल्लाते हुए कहा, पुजारी जी हमें आपकी मदद की जरूरत है, कृपया दरवाजा खोलिए, हम बहुत दूर से आए हैं। ये सारी बातें सुनकर कुछ पल तक अंदर से कोई आवाज नहीं आई, लेकिन फिर अंदर से एक आवाज सुनाई पड़ी, मैंने एक बार कह दिया ना कि यहाँ आप कोई काम नहीं होता, तो मेरी बात मानकर लौट क्यों नहीं जाते? ये दरवाजा नहीं खुलेगा। माही और शेखरन कुछ पल शांत खड़े रहे। थोड़ी देर में माही बोली, मुझे तो लग रहा है कि यहाँ हमारी कोई मदद नहीं होने वाली, चलो चलते हैं। देखा नहीं था वो आदमी भी इनका नाम सुनते ही बड़ा अजीब अजीब बर्ताव कर रहा था। तब शेखरन बोला, नहीं माही, मैं इस तरह से वापस लौटने के लिए नहीं आया हूँ, इनसे मिलना मेरे लिए बहुत जरूरी है, बस एक आखिरी कोशिश। कहते हुए उसने एक बार फिर आवाज लगाते हुए कहा, त्रिलोक जी मुझे फूलपुर के पुराने पुजारी जी के बेटे ब्रिजमोहन ने भेजा है, उसे विश्वास है कि आप हमारी मदद जरूर करेंगे, कृपया उसके मान के लिए हमसे बात कर लीजिए। काफी देर हो गई, लेकिन इस बार ना तो कोई आवाज आई और ना ही कोई बाहर आया। अब तक शेखरन भी निराश हो गया था। वो दोनों वापस जाने के लिए मुड़े थे कि दरवाजे के खुलने की आवाज सुनाई पड़ी और एक बूढ़े से सफेद बाल और दाढ़ी वाले आदमी बाहर आए और बोले, क्या सच में तुम लोग फूलपुर से आए हो? तब माही और शेखरन ने एक साथ सिर हिला दिया। तब त्रिलोक जी बोले, अंदर आओ, अंदर बैठकर बात करते हैं। दूसरी तरफ चेतन, वीर सिंह, चांदनी और पारस माही को ढूंढने के लिए पुल पर पहुंच चुके थे, लेकिन वहां सभी जगह देख लेने के बाद भी उन्हें कोई नजर नहीं आया। तभी पारस बोला, चेतन यहाँ कोई नहीं है, मुझे तो लगता है कि माही यहाँ से नदी में। ये सुनते ही पीछे खड़ा वीर सिंह जोर से चिल्लाते हुए बोला, नहीं पारस जी, ऐसा नहीं हो सकता, माही ऐसा कुछ नहीं कर सकती। चेतन के बाद पारस अब वीर सिंह को शांत करने की कोशिश करने लगा। तभी चांदनी ब्रिज के नीचे झांकते हुए बोली, अरे वहां देखो कुछ लोग नदी में कपड़े धो रहे हैं, चलो वहां चलकर पूछते हैं, शायद किसी ने माही को वहां देखा हो। ये सुनते ही सभी लोग पुल को छोड़कर किनारे पर चले आए और चारों ओर अपने अपने स्तर पर माही की तस्वीर सभी को दिखाते हुए पूछताछ करने लगे, लेकिन किसी ने भी वहां माही को नहीं देखा था। उसी समय चांदनी ने जब वो तस्वीर एक आदमी को दिखाई तो वो कुछ सोच में पड़ गया, शायद उसने माही को देखा था। चांदनी सभी को आवाज लगाते हुए बोली, चेतन वीर भैया यहाँ आइए,
चांदनी की आवाज सुनते ही सभी लोग दौड़कर वहां पहुंच गए। तब चांदनी उस आदमी को तस्वीर दिखाते हुए बोली, बताइए आपने देखा था इसे? तब वो आदमी बोला, वैसे तो हम रोज 7 बजे यहाँ आते हैं, लेकिन आज का काम ज्यादा था तो हम अंधेरे अंधेरे ही चले आए। शकल तो ठीक से नहीं देखी, लेकिन ऊपर पुल से किसी लड़की को झांकते देखा था। हमको एक पल के लिए लगा था कि उस लड़की के साथ कोई और भी था। हम तुरंत भागे ऊपर पुल की ओर, लेकिन जैसे ही हम थोड़ा आगे आए तभी नदी में कुछ गिरने की आवाज सुनाई पड़ी। तो फिर हम पुल पर जाने के बजाय वापस नीचे चले आए, तो पाया वहाँ एक दुपट्टा तैर रहा था। बाद में एक दुपट्टा हमें मिला। कहते हुए उस आदमी ने वो दुपट्टा उन चारों के सामने कर दिया। जैसे ही चेतन और वीर सिंह ने उस दुपट्टे को देखा, उन दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो दोनों माही का नाम लेते हुए रोने लगे। इसके बाद चांदनी ने भी रोना शुरू कर दिया। लोग बुलाए गए और माही को ढूंढना शुरू किया गया, लेकिन वहां कोई नहीं मिला। शाम तक पुलिस उस आदमी के बयान पर माही को नदी में ढूंढवाती रही, लेकिन कोई न मिला। अंततः पुलिस भी थक हार कर लौट गई और बाकी लोग भी घर की ओर चल पड़े। इस सब में चेतन बिल्कुल शांत था। उसके बाद वो एक शब्द भी ना बोला, क्योंकि वो मान चुका था कि उसके एक फैसले से आज माही की मौत हो गई। वो मन ही मन बोला, मैं कभी अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा। माही की मौत का जिम्मेदार अगर कोई है तो वो सिर्फ मैं हूँ। कहते हुए उसकी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। दूसरी तरफ त्रिलोक जी के घर में बैठते ही वो शेखन से बोले, तो बोलो लड़के, ऐसा क्या काम पड़ गया जो मोहन ने तुम्हें मेरे पास भेज दिया? तब शेखर ने अपने बैग से अजनाथ की किताबों में से किताब नंबर 5 को निकाला और पुजारी त्रिलोक की ओर बढ़ाते हुए बोला, दरअसल मुझे इस किताब में लिखी भाषा जाननी है और इस किताब की संपूर्ण विषय वस्तु का अध्ययन करना है, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा था कि आखिर इसमें लिखा क्या है। प्लीज आप देखकर बताइए। त्रिलोक जी ने अपना चश्मा पहनते हुए वो किताब अपने हाथ में ली और जैसे उस किताब का पहला पन्ना उन्होंने खोला तो घबराते हुए उस किताब को छोड़ दिया और किताब उनके हाथ से नीचे गिर गई। उनके चेहरे पर एक तरह का डर सा था। शेखरन और माही उनके इस तरह के रिएक्शन पर एक दूसरे को देखने लगे। तभी शेखरन बोला, क्या हुआ पुजारी जी, आपने किताब को गिरा क्यों दिया? तब त्रिलोक जी घबराई सी आवाज में बोले, ये किताब तुम्हें कहाँ से मिली? कौन हो तुम अपनी पूरी पहचान बताओ मुझे। ये सुनते ही शेखरन सक पका गया, लेकिन फिर वो माही की ओर देखकर दोबारा त्रिलोक जी की ओर देखकर एक झूठी कहानी गढ़ते हुए बोला, ये किताब तो मुझे मेरे गुरुजी ने दी थी। उन्होंने कहा इसमें आयुर्वेद की पुरानी क्रियाएं हैं। मुझे इस किताब का गहन अध्ययन करने को कहा गया है, इसलिए तो मैं यहाँ आया हूँ। शेखरन की बात सुनकर त्रिलोक जी हैरानी से बोले, आयुर्वेद? लेकिन इस पर बना ये निशान, ये तो तांत्रिक क्रियाओं का निशान है। ये कहते हुए वो शेखरन की ओर देखने लगे। तब शेखरन बोला, पुजारी जी क्या मतलब है इस निशान का, और इस किताब में आयुर्वेद है या तंत्र मंत्र, ये तो इसे पढ़कर ही पता चलेगा ना। आप बस इसकी भाषा मुझे समझा दीजिए। इस बात के जवाब में त्रिलोक जी अपने स्थान से खड़े होते हुए बोले, मैं नहीं जानता कि इसे किस प्रकार पढ़ा जाता है, लेकिन उन्हें जानता हूँ जो इसे पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये निशान उन्हीं लोगों का है। ये सुन शेखरन हैरानी से बोला, कौन है वो, बताइए मुझे। तब शेखरन से त्रिलोक जी बोले, यहाँ से कुछ मील दूर एक घना जंगल है। उस जंगल के रास्ते जब आगे बढ़ते हैं तो जंगल में गुफाओं में लीन कुछ तांत्रिक मिलते हैं। ये निशान उन लोगों का ही है, लेकिन याद रहे वो खतरनाक है। उनके इलाके में कोई नहीं जाता, वो लोग भी कभी भीड़ भाड़ में नहीं आते। अगर गए तो खतरा हो सकता है, खतरा मतलब जान का खतरा। ये सुनकर माही तुरंत उठ खड़ी हुई और घर से बाहर चली गई। शेखरन को ये बात थोड़ी अजीब लगी। वो भी जब उसके पीछे गया तो माही शेखरन से बोली, आखिर ये चल क्या रहा है, ये निशान, ये किताब, तंत्र मंत्र, कौन हो तुम? माही के सवाल को सुन शेखरन एक पल के लिए शांत रहा और फिर बोला, ठीक है मैं तुम्हें बताता हूँ। उस किताब में वाकई तंत्र मंत्र की विद्याएं हैं और वो मेरे पिता की है। एक बार मुझे वो पढ़ना आ जाएगा तो मैं भी वो विद्याएं सीख जाऊंगा। और प्लीज अभी ज्यादा सवाल मत पूछो, अभी तो मिले हैं, धीरे धीरे मैं तुम्हें सब बता दूंगा।
ये सुन माही भी सहमत हो गई और वो दोनों वापस घर में आ गए। तब दोबारा त्रिलोक जी बोले, मुझे तो नहीं लगता कि तुम केवल आयुर्वेद के लिए इतना बड़ा खतरा मोल उठाओगे, बात जरूर कुछ और है। शेखरन ये सुनकर एक पल शांत रहा और फिर मुस्कुराते हुए बोला, शायद आपने मुझे पकड़ लिया, लेकिन मैं इतना कहूंगा कि ये मामला मेरे परिवार से जुड़ा है। आपका बहुत धन्यवाद, लेकिन एक और उपकार कीजिए, जब तक मैं ना लौटाऊं तब तक आप माही को अपने पास रहने दीजिए। ये सुनते ही माही उसे हैरानी से देखने लगी। उन दोनों में कुछ बहस भी हुई, लेकिन शेखरन ने उसे रुद्रपुर में ही रहने के लिए मना लिया और वो स्वयं उस किताब के ज्ञान को पाने के लिए जंगल की ओर जाने को तैयार हो गया। दूसरी तरफ चेतन और बाकी लोग माही की मृत्यु की जानकारी पाकर बुरी तरह टूट चुके थे। घर की ओर निकलते हुए उन्हें शाम हो गई। रास्ते पर चल रहे पारस, वीर सिंह, चेतन और चांदनी सभी लोग बिल्कुल चुप थे। कुछ दूर चलकर वो लोग बिल्कुल सुनसान से रास्ते पर पहुंच गए, लेकिन गांव अब भी काफी दूरी पर था। देखते ही देखते रात होने लगी और पूर्णिमा का पूरा चांद अपनी रोशनी बिखेरने लगा। तभी एकाएक पारस बोला, रुके, मुझे रास्ता कुछ ठीक नहीं लग रहा, हमें दूसरा रास्ता लेना चाहिए। लेकिन चेतन उसकी बात सुने बगैर ही आगे बढ़ा चला जा रहा था। एकाएक चांदनी से रोकते हुए बोली, चेतन रुक जाओ प्लीज। लेकिन चेतन अपने धुन में बस चला जा रहा था। तब सभी ने मिलकर उसे रोक लिया और दूसरे रास्ते पर जाने के लिए मुड़ गए। वो कुछ कदम चले ही थे कि अचानक माहौल में सर्दी बढ़ने लगी और चांद की रोशनी में चारों ओर धुंध सी नजर आने लगी। माही की मौत की खबर से चेतन सबसे ज्यादा हताहत हुआ था, लेकिन अब भी तीन लोग अपने होश में थे। अचानक ही वीर सिंह खुद को संभालते हुए बोला, रात रानी की गंध, मतलब पारस जी, यहाँ खूनी वधु आने वाली है, जल्दी कीजिए, हमें उसी रास्ते पर जाना होगा। कहते हुए उसने चेतन को पकड़ा और वापस पुराने रास्ते पर बढ़ने लगे। लेकिन अचानक उन सभी के कदम रुक से गए, क्योंकि धुंध के धुएं में उन सभी के सामने खूनी वधु रास्ता रोके खड़ी थी। वो तेजी से उड़ते हुए उन सभी के करीब आई। चेतन को गर्दन से पकड़कर हवा में उठाते हुए जोर से हंसते हुए डरावनी आवाज में बोली, भागते कहाँ, आज तुम सबकी मौत निश्चित है, लेकिन मैं शुरुआत करूंगी इस दगाबाज से। कहते हुए उसने चेतन के गले पर अपनी पकड़ बढ़ा ली। चेतन का दम घुटने लगा, वो हिल डुल रहा था, लेकिन उसे देखकर ये नहीं लग रहा था कि वो खूनी वधु की पकड़ से छूटना चाहता था। एकाएक चांदनी चिल्लाते हुए बोली, वीर भैया प्लीज कुछ तो करो, वरना वो चेतन को मार देगी। तभी अचानक पारस जोर से चिल्लाया, पीछे हट जाओ तुम लोग। जैसे ही वीर सिंह और चांदनी ने यह सुना तो वो दोनों अपनी जगह से हट गए। और तभी पारस आगे आया और अपनी मुट्ठी में बंद कुछ सामग्री मंत्र पढ़ते हुए खूनी वधु की ओर दे मारा। खूनी वधु ने चीखते हुए चेतन को जोर से जमीन पर पटक दिया और चेतन जमीन पर गिरकर बेहोश हो गया। तभी खूनी वधु दोबारा चिल्लाकर बोली, अब तू कौन है? कौन है? दूर हट जा वरना मारा जाएगा। ये सुनकर पारस हंसते हुए बोला, चिंता मत कर, मैं जो तेरे साथ करूंगा उससे तुझे मेरा नाम हमेशा याद रहेगा, मेरा नाम है पारस। कहते हुए उसने दोबारा अपनी जेब से फिर वही सामग्री निकाली और मंत्र उच्चारण करके खूनी वधु की ओर दे मारा, जिसके प्रभाव से वो दूर हट गई। इसके बाद पारस वही छोटी सी शीशी अपनी जेब से निकालते हुए तेजी से खूनी वधु की ओर बढ़कर बोला, चल आज तो तेरा किस्सा ही खत्म कर देता हूँ, जरा एक बार आसमान की ओर देख, शायद तू भूल गई कि आज की रात पूर्णिमा की रात है। देख इस छोटी सी शीशी को, आज से यही तेरा घर है। कहते हुए पारस जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगा, जिसके प्रभाव से खूनी वधु जोर जोर से चीखते हुए पारस की ओर खींची जाने लगी। क्या वाकई पारस उसे उस शीशे में कैद करने में कामयाब हो सकेगा और क्या शेखरन को किताब की भाषा समझने में कामयाबी मिलेगी? जानने के लिए सुनते रहिए खूनी वधू